गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक दो मिनट वेट करते हैं, आ जाएं सभी। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कौन से सर? गुड मॉर्निंग सर।
तो पिछली बार बहुत से लोगों को टॉपिक वो समझ नहीं आया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो आज हम वापस से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसी एग्जांपल को वापस ले ले रहा हूँ कि दूसरे एग्जांपल लेते हैं। चलो, वो तो कुछ लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास आईपी एड्रेस है 140.11.36.22, ठीक है। ये क्या गिवन है, आईपी एड्रेस, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसका सबनेट मास्क गिवन है 255.255.224.0। ये एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन में आप 255 ही ले लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सबनेट मास्क। आपको क्या करना है, क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में, फिर इनको उसमें बाइनरी में चेंज करो, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सबनेट एड्रेस फाइंड करना है। आईपी एड्रेस गिवन है, सबनेट मास्क गिवन है, आपको फाइंड करना है सबनेट एड्रेस। भई हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है, किस क्लास का है नेटवर्क वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने बताया कैसे आइडेंटिफाई करना है। उस नेटवर्क में आपने क्या किया है, एक सबनेट क्रिएट किया है, सब नेटवर्क क्रिएट किया है ना। आपको गिवन है सबनेट मास्क उस नेटवर्क का। अब आपको ये बताना है कि जो आपने सबनेट क्रिएट किया है उसका एड्रेस क्या है, उस सबनेट का एड्रेस क्या है। हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं सबनेट एड्रेस, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें कैसे करना है, पहले दो मिनट में देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए फिर मुझे बताइए उसका तरीका क्या है। पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सर उनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना। आप इस वाले को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे सबनेट मास्क को, और दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे, एंड ऑपरेशन। करिए, दो पांच मिनट आप लोग करिए, फिर मैं बताता हूँ।
क्या आएगा? सबसे पहले आप क्या करोगे, सबनेट पास किया किसी एक को भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 22 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा तो क्या आएगा? देखिए एक बार मैं बता देता हूं जिन लोगों को नहीं आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, फिर से एक बार देखिए हम कैसे करते हैं। अच्छा कोई मुझे बताएगा, जिसको आता है वो एक्सप्लेन करेगा कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना मतलब 22 का। हाँ फिर सर, फिर बॉटम टू टॉप पे जाके सर उसके जो नंबर्स आते हैं 0101 सर उसे कैलकुलेट को करना पड़ता है सर, लिखना पड़ता है लाइन लेफ्ट टू बॉटम टू टॉप से। बिल्कुल, तो ये मेथड आपने मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में देखा होगा या उसके पहले, या फिर और सिंपल तरीका डायरेक्ट एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, 2 की पावर्स में आपको 2 के टेबल तो आता ही है, 2 1 2 2 2 4 है ना, 8 16। हम हमेशा बाइनरी में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पोजीशन है ना, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह से लिखते हैं हम पोजीशंस बाइनरी में। ठीक है, पहले क्या है 2 to the power 0 है, 2 की पावर 1 है, फिर नेक्स्ट 2 की पावर 2 है। अब 22 को आप 2 की पावर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? एक तो आ गया 16, तो 16 के बाद नेक्स्ट क्या है 32, तब यहाँ 16 लिखा, 16 प्लस 4 लिख सकता हूँ प्लस 2 लिख सकता हूँ, यही होगा 22 को मैं अगर बाइफरकेट करूँ तो, होगा कि नहीं? यस सर है ना। तो 2 सिंगल 2 है मतलब 2 की पावर 1 है, तो आप 2 की पावर 1 पे 1 लगा दो, 4 है मतलब 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 पे 1 लगा दो, 16 है मतलब 2 की पावर 4 है यानी इधर 1 लगा दो और बाकी जगह पे 0 लगा, तो ये इसका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं सर? यस सर। है ना, जैसे एक और बताता हूँ, 36 को 2 की पावर के टर्म्स में लिख दो, 32 प्लस 4 यस सर, यस सर, 4 मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 पे लिख दो, मतलब 0 और 1 पोजीशन पे तो 0 आ गया। अब 2 की पावर 32 मतलब 2 की पावर कितना, 5, 5 तो 0 इधर 0, 3 पे 0, 4 पे 0 और 5 पे 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 32 का रिप्रेजेंटेशन, सॉरी मतलब 36 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में, यही होगा। यस सर, आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो, इनको वापस से आप 2 की पावर टर्म्स में मल्टीप्लाई करके लिख दो, मतलब 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा सभी से? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जब इसको, अरे यार ठीक है, तो ये तो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 140.11.36.32 को, तो क्या आएगा? का 1000 1100 22 का बताइए मुझे, 22 का तो मैंने ही बता दिया था सर, 11 का, 11 का क्या आएगा, 8 plus 3 8 plus 2 plus 1, और 1 के लिए 0 पे कर दोगे। चलो मैं इधर वाला बताता हूँ, ठीक है, आपने क्या कर दिया, अब 1 फिर से 22 को हमने किया था तो क्या आया था, 22 का मुझे बताइए क्या आया था 22 का बाइनरी में, बोलिए। सर 1 0 1 1 0 यस सर, 1 0 0 1 0 0 ऐसा आया था। लेफ्ट साइड से बताइए, मैं लेफ्ट साइड से लिखूंगा, 0 सर, लेफ्ट साइड से 1 0 1 1 0 0 1 यहां से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, यस सर, राइट से लेफ्ट की तरफ 0 1 0 क्या है, 0 1 1 0 1 1
फिर वन आएगा, इधर वन आएगा, हाँ फिर फिर जीरो, जीरो, फिर वन, फिर वन, ठीक है। और 8 बिट का होता है तो मैं शेष 3 बिट और जीरो कर दूँ, तो ये किसका आया, 22 का आया, 22 का आया था, 22 का आया ये, यस सर, सभी का यही आ रहा है कि नहीं, सभी का ये आ रहा है कि गलत आ रहा है, सर ये आ रहा है मेरा, सभी का ये आ रहा है कि नहीं बोलिए। अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये नहीं आ रहा है क्या सर, यही आ रहा है, ठीक है। अब आपको, हाँ सर सेम है ना, अभी मैं बाकी का नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 20, तो यहाँ पे बाकी जगह क्या है 140.11.36, आप इनको भी बाइनरी में ही लिखना, ठीक है। अब बोर्ड होता तो मैं आपको लिख के बताता, पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है हमारे, ठीक है। तो मैं केवल 22 का लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर सबनेट मास्क किसका है, सबनेट मास्क को भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो जीरो का बाइनरी तो क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। और बाकी जगह क्या आएंगे, ऑल वंस हो जाएगा, और ये इसके नीचे रिस्पेक्टिव। फिर हम इनके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड, क्या बोलता है एंड ऑपरेशन, अगर दोनों जीरो होंगे तो नीचे क्या आएगा, जीरो, जीरो, वन जीरो होगा तो नीचे क्या आएगा, जीरो, वन, जीरो, जीरो, एक्स और में होता है, एंड में आता है जीरो, और जब दोनों केस में वन होंगे, दोनों केस में वन होंगे तब आएगा वन। तो देखिए आप जीरो के साथ किसी को भी ऐड करें, आंसर ऑल जीरो ही आएगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कोई और देखता हूँ, जैसे यहाँ पे देखते हैं, उसको हटा दो, दूसरे कलर से करता हूँ उसको, ठीक है। अब मैं 11 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8+2+1, वन यानी जीरो बिट पे, जीरो वाली बिट पे वन कर दूँ, टू यानी फर्स्ट वाली बिट पे वन कर दूँ, 2 की पावर 3 होगा 8, तो इसको भी वन कर देता हूँ, हो जाएगा 11 के नहीं होगा, इधर जीरो आएगा ना, बोलते ही नहीं हूँ आप लोग, यहाँ जीरो आएगा, फिर यहाँ वन आएगा, सर बोला सर 1011 आएगा ना सर, बताया सर 1011 आएगा, जीरो, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया जीरो 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 1011। अभी मुझे इसको किसके साथ में एंड करना है, यहाँ पे ये किस पोजीशन पे है, सेकंड वाले पार्ट में, और यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारा 255, तो उसको मैं बाइनरी में लिखूंगा 255 को, 255 का बाइनरी होता है ऑल वंस, अब कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो यही आ गया। अब इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या आएगा, 11 का 1, 11 का अगेन 1, 01 का 0, 11 का 1, और बाकी सब जीरो, जीरो, ठीक है। तो ये बेसिकली अगेन क्या आया, रिपीट हमारा 11 ही आएगा, 11, यस। एक और चीज है, अगर 255 के साथ अगर किसी को आप एंड करते हो तो वो आंसर जिस चीज को आपने उसके साथ में एंड किया है वही आएगा, हमने 11 को 255 के साथ में एंड किया तो वो 11 ही आएगा। तो इस तरीके से जितने भी 255 वाले हैं वो कन्वर्ट होके बेसिकली हमें क्या मिलेगा, फाइनल आंसर 140.11.36.0 आफ्टर एंड, इन दोनों को एंड करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, और इसी को क्या बोलूंगा मैं, ये हमारा क्या है, सबनेट एड्रेस, सबनेट एड्रेस, क्लियर है, ये हमारा क्या yes, क्या है, सबनेट एड्रेस, ठीक है। अब अगर इस okay, sir. मैं आपसे पूछता हूँ कि इस क्वेश्चन में होस्ट आईडी क्या है तो आप क्या बताओगे, इस क्वेश्चन में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या है,
नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या है? सर 36.20.22 ये होस्ट आईडी है और नेटवर्क आईडी 140 सर, सॉरी ये 140 सिर्फ वो है क्या 30 हाँ सर ये बी क्लास में सर बी क्लास में तो सर जो 36.22 है ये होस्ट आईडी है और 140.11 नेटवर्क आईडी है। ये शायद क्लास सी में है। हाँ बोलो। 140 है ना? 140 तो ये क्लास बी में होगा ना? क्लास बी में। सर आप म्यूट हो गए हैं। क्या है आंसर? नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी बताओ आप मुझे। सर ये क्लास बी में है तो सर जो 36.22 है ये होस्ट आईडी है और 140.11 नेट आईडी है सर। वन फोर्टी डॉट इलेवन क्या है? 140.11.0.0 ऐसा बोलते हैं हम पूरा, क्योंकि आपकी आईडी हमेशा कितनी रहेगी 32 बिट की रहेगी, तो हम क्या बोलेंगे 140.11.0.0 कितने लोगों का नहीं आया तो मैं बताऊं, कितने लोगों को नहीं पता चला कि मेरा नेटवर्क आईडी 140.11 क्यों होगा? सर आप ही बता दीजिए, अभी मतलब कंफ्यूजन है सर थोड़ा थोड़ा। देखिए मैंने आपको चार क्लास में पार्ट डिवाइड किया था, अब मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ इसको, ठीक है? हमने चार क्लास देखी थी, ए क्लास बी ये पांच क्लास देखी थी, ए बी सी डी, ठीक है? और मेन जो थे हमारे ए क्लास की रेंज कहाँ से थी? 0 से 127। बी क्लास की रेंज कहाँ से थी? 128 to 191। सी क्लास की रेंज कहाँ से थी? 192 to 233। सॉरी सर 220। बी क्लास की रेंज कहाँ से थी? 224 से 239। और सी क्लास की रेंज थी 240 से 255, ठीक है? अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या है 140.11 डॉट क्या था 36.22 ये था मेरा क्वेश्चन में, तो ये जो शुरू वाला है 140 ये किसकी रेंज में आ रहा है? क्लास बी की रेंज में आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो आईपी एड्रेस है किस टाइप का है, क्लास बी टाइप का। बी टाइप का पहली चीज अभी मुझे ये पता चला, अभी नेटवर्क आईडी निकला नहीं है, अभी मुझे ये पता चला है कि ये क्लास बी टाइप का एड्रेस। अब क्लास बी टाइप के जब एड्रेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो 16 बिट्स होते हैं वो रिजर्व करते हैं हम नेटवर्क के लिए, 16 बिट्स जो हम रिजर्व करते हैं। और क्लास ए में हम क्या करते हैं, 8 बिट्स रिजर्व करते हैं। 8 बिट्स। क्लास सी में हम क्या करते हैं, 24 बिट्स। 24 बिट्स, ठीक है? और इसमें इस तरह से नहीं करते हैं, इसमें केवल हम क्या करते हैं 24 बिट्स हम रिजर्व करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जब हम
16 बिट रिजर्व कर रहे हैं, मतलब शुरू के दो पार्ट, तो 140.11 वाला पार्ट आएगा हमारा नेटवर्क आईडी के लिए, 140.11 वाला पार्ट आएगा हमारा नेटवर्क आईडी के लिए। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। किसी को इसमें कुछ भी डाउट है? किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। बोलो तो सही, यस और नो तो बोलो। सर एक डाउट है सर। सर इसमें 16 बिट्स रिजर्व हुई थी सर। तो सर हमने किस बेस से 140.11 लिया? ये तो गिवन था हमें क्वेश्चन में, ये आईपी एड्रेस आपको गिवन है, अलॉट हुआ है नेटवर्क की तरफ से। उस आईपी एड्रेस की मदद से ही हम ये पता कर पा रहे हैं कि मेरे नेटवर्क में किस टाइप का नेटवर्क है, किस टाइप का आईपी एड्रेस है, और उसका सबनेट एड्रेस निकाला मैंने। वो एड्रेस तो गिवन था मुझे 140.11.36.22। ये सर ये सबनेट एड्रेस है सर। अगर इसी जैसे क्लास से हो तो सर किस कैसे हम लेते सर नेटवर्क आईडी? क्लास सी में हम 24 बिट्स को कंसीडर करते हैं। क्लास सी का जैसे एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 200.34. डॉट कुछ भी लिख लो आप, 22.56 ऐसा। सबसे पहली आपने देखा क्या है, 200 है, 200 किस रेंज में फॉल कर रहा है, 192 से 223 के बीच में। yes, मतलब क्लास सी का एड्रेस है, क्लास सी का एड्रेस है, मतलब इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। 24 बिट्स किसके लिए रिजर्व है, नेटवर्क के लिए, तो 200.34.22 इसका नेटवर्क आईडी होगा। क्लियर है? ओके सर। अब समझ आ गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। क्लास डी का एड्रेस होगा तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, 224 से 239 के बीच में कर रहेगा। ठीक है? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है कि नहीं सभी? सर चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। मुझे बताइए, है ना, मेरे को एक आईपी एड्रेस गिवन है 198.123.46.237। ठीक है, ये मुझे आईपी एड्रेस गिवन है। अब इसमें बोला है कि फोर नेटवर्क्स आर अलाउड फॉर दिस नेटवर्क। क्या बोला है? फोर सब नेटवर्क्स आर अलाउड फॉर दिस नेटवर्क। क्वेश्चन समझ में आया कि हमने क्या करा है, ये मुझे आईपी एड्रेस गिवन था, फिर मुझे इसमें फोर सब नेटवर्क मैंने बना लिए, ऑलरेडी बना ली, मुझे इसका आपको सबनेट मास्क निकाल के बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? एक आईपी एड्रेस मुझे गिवन है, मुझे उसका बस सबनेट मास्क बनाना है, और मुझे ये बोला है कि मैंने इस आईपी एड्रेस में फोर सब नेटवर्क क्रिएट किए। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, अगर हम वही चीजें रहे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए। Yes, तक आपको इससे पहले तो क्वेश्चन उसमें सबनेट मास्क गिवन होता था, ठीक है? अब इसमें हम सबनेट मास्क निकालना है हमें क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे बताइए? होस्ट आईडी के बीच, मतलब जो नेटवर्क होस्ट आईडी है
किसी भी क्लास का डिफॉल्ट मास्क आपको पता है क्या होगा? ये हमने डिस्कस किया था कल, डिफॉल्ट मास्क क्या होगा? क्लास ए का डिफॉल्ट मास्क क्या होगा? 255 होता है ना सर? हाँ ये होगा 55.0.0.0, ये इसका डिफॉल्ट मास्क है। यस सर। अभी हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? सबनेट मास्क। अच्छा डिफॉल्ट मास्क मैंने किस तरह निकाला? जितने बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व थे, नेटवर्क आईडी के लिए 8 बिट रिजर्व थे नेटवर्क आईडी के लिए, तो मैंने शुरू के 8 बिट कर दिया। इसी तरीके से मेरा एक सबनेट मास्क भी निकल जाएगा। अब इतना भी बता दिया मैंने आपको डिफॉल्ट मास्क कैसे निकाला, बस आपको सबनेट मास्क निकालना है। क्वेश्चन को जिसने ध्यान से सुना होगा अपन निकाल लेगा। बताइए क्या आएगा सबनेट मास्क, आंसर बता दीजिए बस। डायरेक्ट कौन सी क्लास का एड्रेस है? क्लास सी। यस सर, क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क क्या होगा इसका? बताइए डिफॉल्ट मास्क क्या होगा? .255.255.0 नहीं होगा? जीरो सी में यही होगा। ठीक है, अब सबनेट क्वेश्चन में क्या गिवन था मुझे ये बताइए। 4 नेटवर्क हमने अलाउ किए हैं, 4 सब नेटवर्क हमने अलाउ किए इस नेटवर्क में। यस सर। ठीक है, मतलब क्या है? अब मैंने तो ऑलरेडी जब अब सी क्लास का है तो 24 तो मैंने क्या कर दिए, 24 बिट्स तो नेटवर्क के लिए ऑलरेडी रिजर्व थे। लास्ट के बीटे सर उनको वन करना पड़ेगा। अब मुझे क्या बताना है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा। किसी को नहीं बना यह क्वेश्चन? किसी को बना है तो बता दो। नहीं बना सर? नहीं सर, वो समझ में तो आ गया है लेकिन स्टार्ट कैसे करें वो नहीं आ रहा है। ये हमारा डिफॉल्ट मास्क बन गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट 3 पार्ट यानी 24 बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व थे। ठीक है, क्योंकि क्लास सी का नेटवर्क। इस सबसे पहले मैंने चेक किया आईपी एड्रेस में किस टाइप का क्लास है, क्लास सी टाइप का है। उससे मैंने ये पता लगाया कि डिफॉल्ट मास्क क्या होगा, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि क्लास सी टाइप का नेटवर्क है तो 24 बिट्स मेरे नेटवर्क के लिए रिजर्व है। अब उस नेटवर्क के अंदर भी
मुझे क्या करना है, चार और सब नेटवर्क क्रिएट करना है। क्वेश्चन में यही गिवन है कि फोर मोर सब नेटवर्क्स आर अलाउड इन दिस नेटवर्क, तो चार नेटवर्क मुझे क्रिएट करना है। अब वो चार नेटवर्क के लिए मैं अलग से बिट कहाँ से लाऊंगा, ये हमने डिस्कस किया था। एडिशनल बिट्स अगर मुझे सब नेटवर्क क्रिएट करना है तो वो मैं कहाँ से लेता हूँ, पोस्ट में से। दो बिट रिजर्व तो चार के लिए मैं क्या कर दूंगा, इन दो जो जीरो हैं उनको कर दूंगा वन, ठीक yes, है वन कर दूंगा इनको। अब इन जब मैं वन कर दूंगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 2 की पावर 7 यानी 128, 2 की पावर 6 2 की पावर 6 यानी 64, 192 आएगा और बाकी तो एज इट इज रहेंगे। तो ये क्या आया, 255.255.255 तो सबनेट मास क्या मिला मुझे, 255.255.255.192 दिस इज द रिक्वायर्ड सबनेट मास। बस इतना सा करना था आपको, क्वेश्चन में हिंट गिवन थी कि चार सब नेटवर्क हमने क्रिएट करे हैं, चार सब नेटवर्क में कहाँ क्रिएट करूंगा, मैं होस्ट की बिट जो रिजर्व है उसमें से दो बिट को ले लूंगा, सब नेटवर्क ऐसे ही तो क्रिएट करता हूँ, है ना सेज यूनिवर्स। यस सर, ओके सर। आईपी एड्रेस ऑलरेडी अलॉट कर दिया है कि आप 198.123.46 वाला आप तो यूज करिए आईपी एड्रेस डॉट जीरो। अब ये डॉट जीरो से डॉट 255 तक कितने भी यूज कर सकते हैं। अब इनने क्या करा, अंदर के डिपार्टमेंट में सीएस इंजीनियरिंग को अलग दे दिया, एमबीए को अलग दे दिया, है ना, अलग आईपी एड्रेस। अब उनको भी तो आइडेंटिफाई करना है यूनिकली, तो उन्होंने क्या करे, सब नेटवर्क क्रिएट करे, तो उन्होंने उनके आईपी एड्रेस में दो बिट रिजर्व कर लिए, तो चार पार्ट में सब नेटवर्क क्रिएट कर लिए। एक पार्ट वो दे देंगे इंजीनियरिंग को, एक पार्ट दे देंगे एमबीए को, एक पार्ट दे देंगे एग्रीकल्चर को, एक पार्ट दे देंगे किसी डिजाइन को। इस तरह से चार सब नेटवर्क क्रिएट करेंगे। आठ अगर करना होते तो हम क्या करते, इधर थर्ड वाली बिट को भी वन कर देते, तब मेरा सबनेट मास क्या बन जाता, इसमें 32 और ऐड हो जाता तो कितना हो जाता सर। इनको वन वन कैसे करा, कुछ समझ नहीं आया। तो क्या बोल रहे हैं, तो हमारा सबनेट मास 224 बन जाता, 224 हो जाएगा। यस सर। हाँ क्या पूछ रहे हो सर, ये आपने ये जीरो को वंस क्यों बनाया सर, ये हम कैसे रिजर्व कर दिए। जीरो वन करने का मतलब है ये तीन बिट मैंने ले लिए, अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसमें बन जाएंगे, जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे उनके सर। लेकिन जैसे अपन को बोला था कि फोर सबनेट है, तो फोर के लिए टू कैसे लिए थे, मतलब टू वंस कैसे लिए, तो वो पूछ रहा हूँ। आपने इससे पिछली क्लास अटेंड की थी, ये सर करी थी सर, पिछली दो तीन क्लास अटेंड की है ना आपने, देखो मीटिंग एंड yes, एक मिनट के अंदर। तो उसमें मैंने बताया था कि आप जितने बिट्स आप लेते हो, अगर दो बिट आप लेते हो तो उसको 2 to the power 2 कर दोगे, उतने नेटवर्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप तीन बिट रिजर्व करोगे तो 2 to the power 3 8 सब नेटवर्क्स आप बना सकते हो। आप अगर yes, चार बिट लोगे आप 2 to the power 4 क्रिएट कर सकते हो। इसलिए मैंने डिस्कस किया है ना, ये 8 बिट्स में से लेना रहेगा ना सर, जैसे ये यहाँ पे 008 बिट 8 आपने दो बिट ले ली होस्ट वाली जो 8 हाँ, बिट में से दो बिट आपने ले ली नेटवर्क के लिए, तो आपको चार सब नेटवर्क मिल जाएंगे। क्लियर है? यस सर क्लियर है सर। चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। अटेंडेंस के लिए आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। यस सर। यस सर।